हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है परमजीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ए परमजीत। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला था, दोस्तों आपको मोबाइल यानी मोबाइल से आपको टिकट कैसे बुकिंग करना है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो दोस्तों आप मोबाइल से टिकट बुकिंग करना इजीली और आराम से सीख जाएंगे और आपको कहीं जाने का कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों दुकान में जाने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप अपने खुद से टिकट बुकिंग कर सकते हैं मोबाइल से। आपको कैसे बुकिंग करना भाई, वीडियो को लेकिन ज़रूर कंटिन्यू देखते रहना। सबसे पहले मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो वीडियो नीचे देखिए एक बटन मिला लाइक, लाइक पर क्लिक कर दो खुशी से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर बटन सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन छोटा सा घंटी दबा दो और ये ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, जिससे जो भी मेरा वीडियो आएगा सबसे पहले आपको वीडियो पहुंचेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है ये एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस टाइटल बार पर क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप एक यूजर नेम और एक पासवर्ड बना लेना, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो दोस्तों आपको रजिस्टर पर क्लिक करना, ठीक है। दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक नहीं करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो दोस्तों आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर जो भी मांगेगा सब चीज़ डिटेल्स भर देना। आपका यूजर नेम है, जैसे कि यूजर नेम आपको क्या चीज़ डालना मैं आपको बता देता हूँ। यूजर नेम आपको डाल देना, जैसे कि आपका नाम हो अमर कुमार, ठीक है। तो अमर आप एक अमर अमर देने के बाद उसके बाद दोस्तों 9234 जो भी देना वो देखना, जो यूजर नेम जो ले सके अपना चेक कर लेना, ठीक है। नहीं तो मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइप से आप यूजर नेम दे सकते हैं। दोस्तों जैसे कि इस एप्लीकेशन में सब चीज़ कर लेने के बाद, लॉग इन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप देखिए प्लान माई जनरल, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने में दोस्तों आपको कहाँ से कहाँ जाना है, तो दोस्तों माना कि एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पे पटना से लिख देता हूँ, यहाँ पे पटना से समस्तीपुर या पटना से यशवंतपुर जंक्शन, यानी यशवंतपुर बेंगलोर पड़ जाता है, ठीक है। और मैं टिकट में यानी कब का मैं डेट बुकिंग करता हूँ, आज दोस्तों 13 नवंबर है, तो दोस्तों मैं डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से दोस्तों ये मुझे रिप्लेस मांग रहा है, फिर से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से यशवंतपुर जंक्शन दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डेट चेंज कर देता हूँ, डेट मैं 26 तारीख डाल देता हूँ, ठीक है। उसके मैं ओके पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। दोस्तों ये मेरा 4G का पिन मांग रहा है, तो मैं अपना पिन देख मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। ये पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं वीडियो को एक्सपोज कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने आप सब चीज़ में कर लूँ। उसके बाद मैं ट्रेन सर्च को ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद देखिए मुझे ट्रेन दोस्तों इतना ट्रेन आ गया, इतना ट्रेन दोस्तों इस रूट में चल रहा है। कितना ट्रेन चल रहा है, 1 2 3 4 5 ट्रेन दोस्तों इस रूट में चल रहा है। तो पाँचों ट्रेन में से दोस्तों देखता हूँ कौन कौन सा सीट खाली है। तो दोस्तों मैं फर्स्ट वाली मैं इस पर करता हूँ, दानापुर से स्पेशल ट्रेन वाला मैं सेलेक्ट करता हूँ स्लीपर। दोस्तों ये सभी दोस्तों ये वेटिंग बता रहे दोस्तों, ये सीट नहीं अवेलेबल है। दोस्तों मैं दूसरा मैं ट्रेन देखता हूँ, हम सफ़र में देखता हूँ, थर्ड एसी में भी दोस्तों ये नहीं अवेलेबल है। तो दोस्तों फिर से मैं देखता हूँ हम सफ़र एक्सप्रेस में, इसमें भी दोस्तों नहीं बता रहा है। दोस्तों मैं दूसरा ट्रेन में दोस्तों मैं देख लेता हूँ, ये मैं दानापुर देख लेता हूँ दोस्तों, दूसरा ट्रेन में सीट अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों मैं दूसरा ट्रेन में देख लेता हूँ भाई, वीडियो कंटिन्यू जरूर देखना। दूसरा ट्रेन में दोस्तों कोई सा भी ट्रेन में ये वेटिंग बता रहा है दोस्तों, ये वेटिंग बता रहा है दोस्तों। मैं डेट कुछ आगे बढ़ा तो मैं दिसंबर मंथ में देख रहा हूँ, ठीक है। दिसंबर मंथ में 25 तारीख में देखता हूँ दोस्तों, नवंबर मंथ में दोस्तों खाली नहीं है, मैं 25 तारीख देखता हूँ कि खाली है कि नहीं है। इसमें इस डेट में भी दोस्तों इस डेट में है, लेकिन 28 नवंबर है, 29 दिसंबर है, 28 दिसंबर 29 दिसंबर का है। उसके बाद मैं सेकेंड एसी में देखता हूँ, सेकेंड एसी के नहीं बता रहा है। 2S में देखता हूँ, 2S में स्लीपर में देखता हूँ, स्लीपर में नहीं है। तो दोस्तों मैं अब फिर से मुझे कैप्चा मांग रहा है, फिर से मैं डाल देता हूँ यू, फिर से ये लॉग आउट। दोस्तों भाई वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये डेट ज़्यादा हो गया है तो दोस्तों आप इजीली और आराम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर आपको इस डेट में अगर आपको ट्रेन नहीं मिलता है तो दोस्तों आप इस डेट पे मत करिए, ठीक है। अभी दोस्तों ये 20 नवंबर का खाली है, लेकिन ये कौन सा गाड़ी है, ये दोस्तों 20 नवंबर का खाली है। दोस्तों ये 20 नवंबर को अब मैं ट्राई करता हूँ, 20 नवंबर का जैसे खाली है तो मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और मैं बुक नो पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं आई एग्री कन्फर्म में क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये सब चीज़ देखिए आ गया है, अभी देखिए 25 सीट अवेलेबल इस सीट में है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बता रहा है कि
एड पसेंजर, तो दोस्तों एड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद पसेंजर का नाम लिखना है, एज लिखना है, मेल यानी वो फेल यानी ये यानी मेल है या फीमेल है। तो दोस्तों मैं सबसे मैं अपना तो दोस्तों माना कि एग्जांपल मैं अपना नाम डाल देता हूँ, कुछ भी नाम डाल देता हूँ, जैसे दोस्तों माना कि एग्जांपल मैं अपना परमजीत कुमार लिखता हूँ, परमजीत कुमार कुमार लिखना, उसके बाद एज 23 मेल, उसके बाद दोस्तों मैं ये चीज डालने के बाद दोस्तों आपको कहाँ पर क्लिक करना है, एड पसेंजर ऊपर, एड पसेंजर देखिए दोस्तों हो गया सब चीज़। उसके बाद दोस्तों ये कस्टमर का जो भी होगा, और यहाँ पर सब चीज़ कस्टमर का मोबाइल नंबर यानी पसेंजर का मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ मांगेगा यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते दोस्तों। और यहाँ पे उसका एड्रेस डालना है, वो कहाँ पे एड्रेस जा रहा है, एड्रेस डाल देने के बाद जो भी आधार कार्ड में वही एड्रेस डाल दीजिए या जहाँ पर जा रहा है उसका एड्रेस डाल दीजिए। उसके डालने के बाद यहाँ पे आप अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कटाते हैं तो 30 रुपये कटेगा, अगर आप भीम UPI से कटाते हैं तो दोस्तों 20 रुपये कटेगा। तो दोस्तों माना, और यहाँ पे इंश्योरेंस लेना चाहते हैं इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, यस पे कर देना क्लिक। उसके बाद यहाँ पे मैं UPI में पेमेंट करता हूँ, तो UPI कर देने के बाद यहाँ पे यहाँ बता रहा है रिव्यू जनरली यानी जनरली डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों पहले आपको यहाँ पे एड्रेस उड्रेस डाल देना, तो दोस्तों माना कि एड्रेस मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ दोस्तों क्या बता रहा आगे का प्रोसेस, मैं आपको लाइव पूरा दोस्तों दिखा था, आप सोचते हैं कि परमजीत भाई ठग रहा है, ऐसे झूठ फेक वीडियो बना रहा है, दोस्तों नहीं, आप 100% आप बुकिंग कर सकते हैं लाइव प्रूफ। दोस्तों ये स्टेशन का नाम मांग रहा है, मैं दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन भाई वीडियो को कंटिन्यू जरूर देखना। दोस्तों ये एड्रेस गलती है, एड्रेस इसीलिए नहीं ले रहा है, अगर आप एड्रेस सही सही डालेंगे तो दोस्तों आपको वो एड्रेस ले लेगा। दोस्तों ये गलत, अगर आप एड्रेस उड्रेस सब चीज़ डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको UPI सेलेक्ट करने का, उसको पेमेंट कर देंगे तो दोस्तों आपको सक्सेसफुल टिकट कर देगा, और उसको स्क्रीन शॉट ले लेके उसको आप जहाँ पर जाएंगे जैसे टिकट जैसे जाएंगे ट्रेन में तो उसको स्क्रीन शॉट आप दिखा दीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, बस PRR नंबर बता दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपका सीट जितना होगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा बोले बस सीट में। तो दोस्तों यही छोटा सा वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप भी टिकट बुकिंग कर सकते इजीली और आराम से। तो चलते दोस्तों।